कुमार श्रीवास्तव को टिकट दिया गया है, बड़ी खबर है। गोरखपुर सदर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मैदान में है। इनके अलावा आपको बता दें, तिलोई से अमरनाथ पांडे को टिकट दिया गया है। रजनीश यादव को बैरिया से अपना प्रत्याशी बनाया है आम आदमी पार्टी ने। कुल मिलाकर 40 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। ये आम आदमी पार्टी की 5वीं लिस्ट है। विजय कुमार श्रीवास्तव गोरखपुर शहर से, अमरनाथ पांडे तिलोई से, सुनीता देवी दोहरे औरैया से, शुभम अयोध्या से। रजत चौरसिया को बहराइच से टिकट मिला है और शनिश मणि मिश्रा को पयागपुर से चुनाव लड़ा रही है आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी की 5वीं लिस्ट जारी हो गई है और इस लिस्ट में गोरखपुर का भी जिक्र है। गोरखपुर से विजय कुमार श्रीवास्तव को टिकट दिया गया है। तो ये लिस्ट आपके सामने है। विजय कुमार श्रीवास्तव गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे, तिलोई से अमरनाथ पांडे लड़ेंगे, सुनीता देवी दोहरे को औरैया से टिकट मिला है। कुल मिलाकर 40 प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है। शुभम अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, रजत चौरसिया को बहराइच से आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, शानिश मणि मिश्रा पयागपुर सीट से चुनावी मैदान में उतारे हैं आम आदमी पार्टी ने। यह 5वीं लिस्ट है जिसमें कुल मिलाकर 40 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आम आदमी पार्टी ने किया है। और जब्बार हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। जब्बार, एक और लिस्ट आम आदमी पार्टी की, कुछ खास बात है इसमें? लगता है कि जब्बार की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये लिस्ट हम आपको जरूर दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने 40 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है, बड़ी खबर है। 40 प्रत्याशी इस लिस्ट में हैं और कई सारे नाम हैं। तिलोई, औरैया, गोरखपुर शहर, प्रयागपुर, बहराइच जैसे तमाम क्षेत्रों से प्रत्याशियों का मैदान में उतारा गया है।